हेलो गाइज, व्हाट्स अप? आई होप ऑल ऑफ यू आर सो गुड. टुडे आई एम टॉकिंग इन बांग्ला और हिंदी, एज मैनी पीपल हैव सजेस्टेड मी टू टॉक इन हिंदी और बांग्ला बिकॉज दिस इज़ मोर कनेक्टेबल एंड इजी टू डिस्क्राइब. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग. एक्चुअली आई एम सॉरी गाइज, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी. बिजी नहीं बोल पाऊँगी, मैं बहुत मेस्ड अप थी क्योंकि मुंबई में बहुत बारिश होती है और उस टाइम अगर आपको शूट का डेट मिल जाए या फिर आपकी शूटिंग होता है तो वो मैनेज करना, एक साथ मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है. तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट अपडेट एनी वीडियो फर्दर. सो बेसिकली मैं जब भी घर में अकेली रहती हूँ तो मैं खुद से खाना बना के खाना प्रेफर करती हूँ. मैं किसी के हाथ से खाना बनाना या फिर होता है ना कि बाहर से कुछ मंगवा लेना या फिर पिज्ज़ा बर्गर या फिर कोल्ड ड्रिंक ये सब मंगा के खाना, क्योंकि घर में खाना नहीं है तो मैं ये सब नहीं प्रेफर करती हूँ. ज़्यादातर मैं खुद के हाथों से बनाना पसंद करती हूँ. मैं बचपन से कुछ ना कुछ मैंने सीखा है मम्मी से बनाना, ये वो जो कि खाने के लिए एटलीस्ट ज़रूरत हो. तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अंडों को मैं छील रही हूँ. उससे पहले जो हुआ था, क्योंकि मैं अंडा करी बनाने जा रही हूँ तो इससे पहले जो हुआ था, मैंने एक पैन में गरम तेल किया था. उसके बाद मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च को एक साथ डाल के मैंने भुना था. भुनने के बाद जब वो थोड़ा सा नरम हो गया था, नरम होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बस रेड चिल्ली पाउडर मैंने मिक्स किया. मिक्स करके फिर से मैंने भुना और इधर जो मैंने अंडा छीलने का काम स्टार्ट किया था वो भी कंप्लीट हो गया. और इधर मैं एक दूसरे पैन में, वही पैन में एक्चुअली, दूसरे पैन में नहीं, वही पैन में उन अंडों को भाजने के लिए, भूजने के लिए मैंने एक थोड़ा सा गर्म तेल दिया है बस थोड़ा सा, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक दिया. अब जब अंडे फ्राई हो ताकि उसका कलर और उसका जो टेक्सचर है और फ्राई भी बहुत अच्छे से आए और टेक्सचर भी अच्छा हो गया. और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने चार अंडे जो दिए थे वो परफेक्टली भाजी किया हुआ है. तो फिर से मैंने उसी पैन में मैंने गरम किया तेल में जो मेरा अदरक लहसुन वाला पेस्ट है वो मैंने ऐड किया और उसके बाद थोड़ा सा भुना अच्छे से. फिर उसको पहले का जो भुना हुआ मसाला था वो मैंने डाल दी, ऐड कर दी, ताकि वो जो मसाले का जो टेक्सचर है वो अच्छे से निकल के आए, उभर के आए. और गाइस मैं नमक बहुत ही कम खाती हूँ तो आप अपने हिसाब से नमक और हल्दी या फिर जो भी मसाला है वो मिक्स कर लेना. इसके बाद फ्रिज में रखा हुआ पहले से मेरा किया हुआ पेस्ट जो था, उस पेस्ट बेसिकली ऑनियन और मिर्ची का, ग्रीन चिली का था, वो मैंने ऐड कर दी. ये मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ गाइस क्योंकि ये ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो एक अलग स्वाद डालता है उस ग्रेवी में या फिर वो सब्ज़ी में, तो वो मज़ा आ जाता है खा के. घर में ऐसे बहुत सारे हम लोगों के पहले पिछले किए हुए पेस्ट होते हैं जिसको आप तरह तरह के सब्ज़ी में या फिर ग्रेवी में आप डाल के उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है गाइस. उसके बाद मेरा जैसे मसाला भून के रेडी हो गया, उसके बाद मैंने आधा कप वाटर मैंने ऐड किया. फिर मैंने उसको थोड़ा सा सॉटे किया ताकि वो उसका जो एक क्रिस्पीपन है वो ख़त्म हो जाए और जो मसाला जो है वो वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक जो कलर आता है उसका वो कलर आए. उसके बाद आप देख सकते हो मेरे पास कसूरी मेथी का पैकेट है तो मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया क्योंकि उसका जो एक खुशबू है वो मुझे बहुत पसंद आती है गाइस. लाइक आई लव द स्मेल ऑफ कसूरी मेथी. उसके चक्कर में मैं खा भी लूँ पूरा. तो बेसिकली मेरा जो फ्राई किए हुए अंडे हैं वो मैंने ऐड कर दी क्योंकि मेरा मसाला के साथ जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट रेडी होके आ रहा था. फिर मैंने उसको अच्छे से सॉटे करने के बाद ओ एक मिनट गाइस, बीच में मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा जो ये इधर मसाला है वो थोड़ा सा जल गया था, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हो कि जल गया था. एज बिकॉज मैं फर्स्ट वीडियो कर रही हूँ तो मेरा थोड़ा कैमरा सेटअप करते करते वो जल गया था,
जिसके कारण आप थोड़ा ब्लैक ब्लैक वो मसाला देख सकते हो ग्रेवी के साथ। तो ऑलमोस्ट रेडी होने आया ग्रेवी, मैंने आफ्टर ऑल बना ही लिया गाइस। सो मुझे बहुत भूख लगी थी और चारों अंडे मैंने खुद के लिए ही बनाए थे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी गाइस, और भूख के मारे मैंने चार चार अंडे बना लिए। और उसके बाद मैं नहाने चली गई, और नहाने के बाद मैं पूजा में चली गई क्योंकि विदाउट पूजा मैं कुछ चीज़ कर ही नहीं पाती हूँ। मैं जब भी बाहर से आऊँगी मैं नहाऊँगी, फ्रेश होंगी, फिर से मैं पूजा ही दूँगी। और अगर एक दिन भी मेरा पूजा मिस हो गया, मैं रात को भी नहा के मैं पूजा करती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है गाइस कि पूजा करने से ना आपके मन की इतना मतलब शांति मिलता है आपके मन को, और ऐसा लगता है कि सब टेंशन ख़त्म हो गया एक चुटकी में। सो मैंने इधर जितना हो सके मैंने फूलों से सजाने की कोशिश की। एक्चुअली गाइस मेरे पास उस दिन ज़्यादा फूल भी नहीं थे, और जितना थे उतने से मैंने भगवान के सामने मैंने अर्पण किया। फिर मैंने जो उनका जो मतलब वाटर था ग्लास में, मैंने वो चेंज किया था। फिर मैंने सब कुछ साफ वाफ किए, मैंने लक्ष्मी मैया को सिंदूर अर्पण किए, तेल में मैंने प्रदीप के लिए थोड़ा बहुत इधर प्रिपरेशन करना पड़ता है तो क्योंकि, और इधर कैंडल्स नहीं मिलता है तो इसलिए हमेशा प्रदीप ही जो है मिलता है, और वो ही आपको यूज़ करने होता है क्योंकि इधर मुंबई में कोई कैंडल्स यूज़ नहीं करता। मैं जब घर में थी त्रिपुरा में, फिर मैं देखती थी कि हमारे उधर ज़्यादातर कैंडल्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन इधर आपको नहीं मिलेंगे कैंडल्स। इधर आपको जाके वो स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि कैंडल्स चाहिए, फिर आपको कैंडल्स वो लोग देंगे। एनीवे गाइस दैट्स ऑल टुडे। आप देख सकते हो मेरे पूजा जो है वो कंप्लीट हो गया गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, पुट द लाइक बटन। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।